बच्चों, आज हम पढ़ेंगे स्पर्श गद्य पाठ दुख का अधिकार। इसके लेखक हैं यशपाल। यशपाल जी ने इस पाठ में समाज में फैली हुई कुरीतियों, अंधविश्वास और ऊंच नीच अमीर गरीब के भेदभाव को बताते हुए एक व्यंग किया है कि किस तरह से एक गरीब इंसान अगर दुख में है तो उसको दुख नहीं मनाने का अधिकार है, और वहीं कोई अमीर है तो उसको पूरी सुविधाएं हैं, सारे सुख साधन हैं, तो वो अपने दुख को बहुत अच्छे तरीके से मना सकता है। उसके पास समय भी है दुख मनाने का, लेकिन गरीब के पास समय भी नहीं है। इस पाठ में एक बुजुर्ग महिला है जिसका एक बेटा है भगवान। वह शहर के पास 1.5-2.5 बीघा जमीन में कचियारी कर अपने परिवार का निर्वाह करता था। उसके घर का निर्वाह करने वाला वह अकेला था। एक बुजुर्ग माँ थी उसकी, उसकी पत्नी और उसके बच्चे। एक दिन वह सुबह सुबह मुंह अंधेरे मेड़ की तरावट में खरबूजे तोड़ रहा था। मेड़ की तरावट में विश्राम करते हुए एक सांप पर उसका पैर पड़ गया और उस सांप ने उसको डस लिया। भगवाना की मृत्यु हो गई। जब उसे लेकर गए तो उसकी बूढ़ी माँ ने उसको उसके इलाज के लिए काफी प्रयत्न किए, झाड़ फूक भी कर पाई। झाड़ फूक के लिए ओझा को बुलवाया, ओझे ने झाड़ फूक की, घर का जो भी सामान था वो पूजा पाठ झाड़ फूक में दे दिया गया। कहा उसके, लेकिन फिर भी कोई फायदा नहीं हुआ और भगवान को बचाया नहीं जा सका। कहा जाता है कि नंगा इंसान जिंदे में रह भी ले, लेकिन मरने के बाद नंगा विदा नहीं किया जाता, चाहे परिवार की परिस्थितियां कैसी भी हों। वैसे ही बुजुर्ग महिला की परिस्थिति बहुत अच्छी नहीं थी और उनके पास अब कुछ बचा भी नहीं था, लेकिन जब भगवान आपको के दाह संस्कार की बात आई तो फिर उनको उसको एक पूरा कपड़ा उड़ाकर कफन बनाना था। उसके लिए उसकी माँ ने अपने छन्नी कपने भी बेच दिए। उस छन्नी कपने बेचने के बाद उसके कफन का इंतजाम किया गया। आस पड़ोस के कोई भी लोग उसको उधार देने के लिए तैयार नहीं थे। क्यों? क्योंकि उसके यहाँ कमाऊ पुत्र सिर्फ भगवाना था और लोग उधार उसी को देते हैं जिससे उन्हें वापस आने की उम्मीद होती है, लेकिन जब कमाऊ पुत्र ही मर गया तो उनके उधार को वापस कौन देता, इसलिए बुढ़िया को किसी ने उधार नहीं दिया। भगवाना के मरने के बाद उसकी बहू को बुखार आ गया, बच्चे भूख से बिलबिलाने लगे। बुढ़िया ने पहले तो उनको खरबूजे देकर उनकी भूख को शांत किया, लेकिन बच्चों का रोना फिर भी बंद नहीं हुआ, तो वह अगले दिन खरबूजे लेकर बाजार में जाकर बैठ गई। खरबूजे बेच रही थी तो बेटा तो एक दिन पहले ही मरा था, उसको बहुत दुख था और वह अपने घुटनों में मुंह को छुपाकर फफक फफक कर रो रही थी। लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे। सबको पता था कि उसका पुत्र एक दिन पहले ही मरा है और जवान मौत थी, पर लोगों को उसकी मदद करने की बजाय लोगों ने उसका दुख जानने की बजाय उस पर व्यंग कसना शुरू कर दिया। उसको बुरा भला कहना शुरू कर दिया कि इन गरीबों का तो कोई ईमान धर्म ही नहीं है, इनके लिए तो बेटा क्या, खसम लोग लुगाई क्या, ये लोग तो सिर्फ पैसे के मीत होते हैं, इनको सिर्फ पैसा चाहिए। वहीं पर लेखक भी खड़े थे। लेखक उस बुढ़िया के दुख को जानना चाह रहे थे, लेकिन कहा जाता है कई बार हमारी पोशाक हमारे किसी भी कार्य में व्यवधान पैदा कर देती है। कभी वे हमारे बहुत सारे रास्ते खोल देती है, लेकिन कई बार हमारे रास्ते बंद भी कर देती है। लेखक ने कोशिश की कि वह बुढ़िया से उसकी दुख को जान पाए, लेकिन उनकी अच्छी पोशाक होने के कारण वे बुढ़िया के पास ना बैठ सके। फिर उन्होंने आस पड़ोस की दुकानों से पूछा तो उन्हें पता चला कि बुढ़िया का जवान बेटा एक दिन पहले ही सांप के डसने से मर गया है। लेकिन लेखक कुछ नहीं कह पा रहे थे और ना ही किसी भी तरह से उस बुढ़िया की मदद कर पा रहे थे। आखिर में लेखक को उस बुढ़िया के दुख को देखकर अपने पड़ोस में रहने वाली एक संभ्रांत महिला की याद आई जिसके यहाँ भी उसके जवान पुत्र की मौत हुई थी, और वह महिला उस पुत्र शोक में 2.5 महीने तक पलंग पर पड़ी रही। उसके पास सुख सुविधाओं के सारे साधन थे, पैसा था, किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, तो उसकी सेवा के लिए नर्स डॉक्टर 24 घंटे तैनात रहते थे। वह दिन में कई बार बेहोश होती थी, कई बार होश में आती थी, पर उसकी देखभाल करने के लिए सब थे। घर में आर्थिक स्थिति भी बहुत अच्छी थी तो पैसे की भी कोई दिक्कत नहीं थी। लेखक ने यह सोचा कि एक वह सम्मानित महिला है,
उसके भी जवान पुत्र की मौत हुई है और एक इतराफिया गरीब बुजुर्ग महिला है, इसके भी जवान पुत्र की मौत हुई है। दोनों की स्थिति तो एक जैसी ही है लेकिन परिस्थितियां अलग अलग हैं। कहा जाता है कि दुख मनाने के लिए भी समय और परिस्थिति का होना बहुत जरूरी है। बुढ़िया के पास न समय था न परिस्थिति थी, उसके पास पैसे नहीं थे, उसे अपनी बहू का इलाज कराना था, उसे अपने पोते पोतियों की भूख मिटानी थी, तो मजबूरी में उसको बाजार में आकर खरबूजे बेचने पड़े। क्यों? क्योंकि अगर वह ऐसा नहीं करती तो अपने परिवार का निर्वाह कैसे करती। लेखक ने उस समय यह सोचा, उनके मन में यह विचार आया कि इंसान को अपने सुख सुविधाओं के साथ साथ दुख मनाने के लिए समय और परिस्थितियों की भी जरूरत होती है। अगर परिस्थिति अच्छी है तो वह उसके पास दुख मनाने का समय भी है और उसको सुविधाएं भी सारी हैं, और जिसके पास परिस्थिति और समय नहीं है वो उसको दुख मनाने का भी कोई अधिकार नहीं है। धन्यवाद।